सोशल मीडिया कितना सशक्त है ये उस वायरल वीडियो से समझा जा सकता है जिसमें 40 साल पहले परिवार से जुदा हुई मुन्नी उर्फ बुशरा अपने भाई से सोशल मीडिया के मार्फत आमने सामने हुई हैं। अब पाकिस्तान की हो चुकी मुन्नी उर्फ बुशरा अपने भाई भाभियों माँ समेत घर वालों से सीधे सीधे मिलना चाहती हैं। इधर मुन्नी के भाई अकरम ने PM से अपनी बहन को मिलवाने को भारत बुलाने की मांग की है। फिल्म जैसी कहानी लगने वाला पूरा मामला तब सामने आया है जब पाकिस्तान से वायरल एक वीडियो संभल पहुँचा है। वायरल वीडियो के अनुसार करीब 40 साल पहले संभल के कस्बा सरायतरीन की मुन्नी उर्फ बुशरा को उनका रिश्ते का मौसा दिल्ली ले गया जब वे बहुत छोटी रही होंगी, जहां उसने उसे बेच दिया तथा कई और लोग उसे बॉर्डर क्रॉस कराकर अवैध तरीके से पाकिस्तान ले गए, जहां मुन्नी की शादी हो गई। उसके अब 4 बच्चे हैं। बावजूद मुन्नी उर्फ बुशरा का अपने परिवार से मोह बरकरार रहा, मुन्नी उर्फ बुशरा ने अपना वीडियो बनवाया, पूरा पता, माँ बाप, रिश्तेदारों का नाम और मोहल्ला बताया। वायरल वीडियो अब उसके भाइयों तक पहुंच गया है। परिवार के लोग अब वीडियो कॉलिंग से मुन्नी से बात करते हैं। उधर मुन्नी PM के माध्यम से अपने घर आना चाहती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अकरम है। हाँ, एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है, ये कौन है आपकी और कब गई थी यहाँ से? ये हमारी बड़ी बहन है, हमारे बड़े भाई हैं, उनसे भी ज्यादा बड़ी है, नाम मुन्नी है और लगभग 40 साल हो गए इन्हें गए हुए। मैं छोटा सारा था, गोद में था अम्मी के, लगभग ऐसे 1.25 महीना या 1.5 महीने का था। तो ये हमारी जो दूसरी चच्ची है, मतलब यानी कि हमारे चच्चे की जो बीवी हैं चच्ची, यानी कि उनका नाम है भूरी, तो उनके बहनोई ने ये उनको हमारी बहन को निकाला और ये वहाँ को ले गए, बेच दिया उन्होंने। फिर हरियाणा दिल्ली ले गए, दिल्ली से हरियाणा ले गए, फिर उन्होंने क्या नाम है हरियाणा से वहाँ पहुँच गई पाकिस्तान, वो क्या नाम है रेगिस्तान। फिर उसके बाद में उन्होंने ही बताया हमें कि मैं उनसे पूछा बहन से, मन के भाई ऐसे से कैसे हुआ, कौन ले गया? तो बोले, उन्होंने बताया कि बोले हमारी चच्ची की, वो हमारी जो दूसरी अम्मी थी भूरी, तो बोले उसके जो बहनोई है बारदरी पे रहते हैं, बोले उन्होंने ये काम हम दुश्मनी निकाली। 40 साल में कभी बात हुई इनसे? 40 साल में कभी कोई बात नहीं हुई। आपके वीडियो जो वायरल सोशल मीडिया पर हुई तो कैसे आप तक पहुंची? ये मतलब लोगों के जैसे वीडियो वायरल हुई तो लोगों ने देखा और उन्होंने समझा कि वो कुछ लोग हमें जानते थे, तो जो जानते थे उन्होंने हम तक पहुँचाया, बोले ऐसे से एड्रेस के जरिए कि बोले तुम्हारी बहन का ऐसे। अब क्या उम्मीद करते हैं कि बहन आ जाए? हाँ, उम्मीद ये है अल्लाह ताला से, जब अल्लाह ताला ने मिलाया है तो ये भी उम्मीद करते हैं अल्लाह ताला से कि हमें रूबरू मिला दे। और बहन है हमारी, ये जरूरी नहीं है कि वो यहीं पे रहें, जहाँ उनका दिल चाह, अगर वो वहाँ हैं तो वहीं रहें, लेकिन मिलने की नहीं, आ जाए, हमारे बड़ा दिल तड़पता है उनसे मिलने के लिए। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री से क्या मांग करेंगे आप? देश के प्रधानमंत्री से हम तो यही कहेंगे कि वो देश हमारा है, आपका भी है, सबका है, और हमारा देश बहुत बढ़िया है, अच्छा है, प्रधानमंत्री भी बहुत बढ़िया हमारे, तो उनसे रिक्वेस्ट यही करेंगे कि हमारी बहन को वो मिला दें। जी, अस्सलाम वालेकुम, आप बताइएगा कि आपका इंडिया से किस शहर से ताल्लुक है? जिला मुरादाबाद, तहसील संभल, सरातरी। में किस इलाके से थी, कोई खास इलाके? बयान मोहल्ला भी बोलते हैं, बकर कसाब मोहल्ला भी बोलते हैं, हिजरान मोहल्ला भी बोलते हैं। तीनों का एक ही नाम था? एक ही नाम। और घर के कोई करीब गली या कोई मकान? मकान घर के पास बकर कसाब रहते हैं, धोबी रहते हैं। आपके वालिद साहब का क्या नाम था? मोहम्मद शिदर। और कोई बिल्कुल घर के करीबी जो कोई हमसाए हो उनका नाम आता हो आपको? उनका नाम मुख्तियार है। मुख्तियार। और जो हमारे बराबर में कसाई रहते हैं उनका एक का बेटे का नाम लईक है, एक का नाम छोटू है। अच्छा, और आप? मेरे दादे का नाम मोहम्मद रफीक है। और आपके बहन भाइयों के नाम याद है आपको? हाँ, एक जो मेरे से छोटा है उसका नाम मुन्ना है, मुन्ना बोलते थे। अच्छा। तो इस्लाम उसका नाम है, एक का असलम नाम है, एक का अकरम नाम है, एक मेरी बहन है उसका बानो नाम है, दो मेरी मामू माँ है जिसका नाम, एक का नाम मुनीजा, एक का नाम हाजरा। आपकी अपनी वालदा का नाम क्या है? सभी? मुनीजा। मुनीजा। कितनी बड़ी बहनें थी और कितनी छोटी बहनें थी? छोटे ही थे सारे। आप बड़ी थी? हाँ। अच्छा, और जो जिस इलाके में रहती थी, सरायतरीन इलाके से आपका ताल्लुक है? सरायतरीन इलाके से, वो बारादरी के पास में है वो।
अच्छा, बारह मोहल्ला, 12 तरी से कितना दूर था अंदाजा? जहाँ नेजा लगता है, नेजे के सीधे आओ वहाँ पे 12 दरी आती है, उल्टे हाथ को मुड़ो, फिर एक दरबार का रास्ता, एक हमारा घर के रास्ता, उल्टे हाथ को मुड़ो तो वो हिजड़ान मोहल्ला आ जाता है, धोबियान भी कहते हैं उसको, बकर कसाब। और आपके अबू का क्या शोभा था, किस क्या काम करते थे आपके वाले? मेरे अबू कंघी का काम करते थे, कंघियां बनाते, कंघियां किस चीज की? तीतर भी उड़ाते थे, कबूतर भी उड़ाते थे। अच्छा, तो कंघी बनाते थे, प्लास्टिक की कंघी? नहीं, कौन सी? सींग की कंघी। सींग की? हाँ। वहाँ पे सींग का काम करते थे लोग? सींग का काम ही होता है वहाँ। अच्छा, तो उस गली में ज्यादा सींग वाले और कसाब रहते थे? बकरे काटने वाले रहते, धोबी रहते और बकर कसाब, जो सींग से जो चीजें बनाते हैं वो रहते। ठीक है, ठीक है। वहाँ पे एक मस्जिद भी है, मस्जिद के साथ कुआं भी है बाहर के साइड पे। अच्छा, अब ये नहीं मालूम कि सब कुआं होगा या नहीं होगा? क्या नहीं होगा? हाँ, ये नहीं मालूम। मस्जिद से 1, 2, 3 घर छोड़ के चौथा घर हमारा है। अच्छा अच्छा, सही। तो अल्लाह करे, हम कोशिश पूरी कर रहे हैं। इनका ताल्लुक मुस्लिम फैमिली से है, मुसलमान फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं, और इन्होंने अपने इलाके का नाम बताया है, तीन इलाके के नाम से मशहूर था। क्या नाम था? बकर कसाब और धोबियान, हिजड़ान। ठीक है, अल्लाह करे, हम कोशिश पूरी कर रहे हैं आपके रिश्तेदार आपसे मिलें, और जो भी वीडियो देखे इसको शेयर करें, ताकि इनके जो भी रिश्तेदार हैं इनसे रابطہ करें, और नंबर हम अपना दे देंगे इस रابطے पे, वो हमसे रابطہ करें। और आप कोई पैगाम देना चाहें अपने रिश्तेदारों को, आप उनको याद करती हैं, आपके क्या जज्बात हैं? मुझे बहुत याद आती है, दिल करता है मिलूं। किसकी ज़्यादा याद आती है आपको? मुझे अपने भाइयों की भी, माँ की भी, अबू की भी, बहन की भी, एक बहन की पता नहीं है कि नहीं, अब अब्बू भी हैं कि नहीं, कोई पता नहीं। अल्लाह करे वो वीडियो देखें और वो रابطہ करें, इनके अंदर बहुत तड़प है रिश्तेदारों से मिलने की। अब ये यहाँ पर पाकिस्तान में रहती हैं, माशाल्लाह इनके बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं यहाँ पर, लेकिन अभी तक इनका अभी शनाख्ती कार्ड नहीं बना, और ये चाहती हैं कि इनके उनसे रابطہ हो जाए, कम से कम इनको अपनी एक शनाख्त मिल जाए कि इनका ताल्लुक़ पीछे कौन से ख़ानदान से है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शनाख्त तो सबसे जो बड़ी बात है, इनको बहुत ज़्यादा याद सताती है अपने रिश्तेदारों की, अपने वालिद की, अपने घर वालों की, अम्मी की, सब की याद सताती है। फुफ्फो की? फुफ्फो का क्या नाम था आपके? खातून नाम था। खातून तो सबका होता है नाम, कुछ नाम होगा उनका फुफ्फो का? नाम ही खातून है उसका। अच्छा, नाम खातून बेगम, खातून बेगम नाम था। और चाचू भी थे आपके या सिर्फ वाले? चाचू मेरा था मोहम्मद एहसान, वो मैं जब पैदा भी नहीं हुई थी जब फौत हो गए थे। अच्छा, और ये इंडिया से कोई सौदागरान होते हैं, वो उन्होंने इनको बॉर्डर क्रॉस कराई थी? सौदान नहीं, क्या कहते हैं उनको? सौदान नाम है उसका, वो जो बॉर्डर क्रॉस कर, वो हरियाणा का, वो रिश्तेदार थे आपके? नहीं, वो हरियाणा के, वो भी साथ में आए, वो पता नहीं अब कहाँ है, वो 3-4 लोग थे, 3-4 लड़कियाँ थी, अब वो पता नहीं कहाँ है, वो भी साथ में आए थे। तो उन्होंने वो जो है इनका रास्ते में वहाँ से कोई सौदा किया आगे किसी इनके रिश्तेदार ने, और फिर उनके थ्रू ये फिर बॉर्डर क्रॉस करके जो सौदागरान होते हैं, जो भी होते हैं, तो उन्होंने इनका वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करके पूरे ग्रुप को यहाँ लेकर आए पाकिस्तान में, और इन्होंने बड़ी तकलीफ़ें देखी, बड़ी अल्लाह ताला का करम है, अब सही हाथ में हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इनकी शादी हो गई है, इनके बच्चे हैं, बस अब ये अपने रिश्तेदारों से मिलना चाह रही हैं और बहुत उदास हैं, ये चाह रही हैं कि वो उनसे रابطہ करें। अल्लाह करे आप सबकी कोशिशों से इनके रिश्तेदारों से इनकी मुलाकात हो जाए। आमीन सुम आमीन। प्लीज़ इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और नंबर स्क्रीन पर हम उसका दे देंगे, अगर वो देखते हैं तो वो ज़रूर रابطہ करें। बहुत शुक्रिया।